जो माता पिता हमें 20-22 वर्ष पालते हैं, जीवन में कोई भी मिले और जब भी कोई ऐसा ये सलाह दे ना कि माँ बाप को बिना कहे घर से भाग के चलें, तो ऐसे कुसंग को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जो अभी अभी मिला हो उसके लिए हम अपने 20-22 वर्ष पुराने माता पिता का संबंध उन्हें छोड़ दें, ऐसी सलाह देने वाला हमारा पति हो ही नहीं सकता। वो कोई लुटेरा है, वो कोई डाकू है, वो चोर होगा, वो तुम्हारे दो चीज का लूट, या तो तुम्हारी संपत्ति को लूटेगा या तुम्हारे रूप का लुटेरा होगा, या उसकी उसकी दृष्टि कहीं और है। ये बेटियों को समझ लेना चाहिए, जो भी भागने की सलाह दे उसके मुंह पे थूक के तुरंत निकल आओ, बोले आज कुसंग छूट गया और मैं आज बच गई, है ना। और माता पिता भाई, वो भाई, वह माँ, वह पिता जो अपनी बेटी और बहन के एक गलत कदम से समाज में जिनका जीवन नरक बन जाता है, नाक कट जाए, तो फिर ऐसे हम कार्य क्यों करें। इस प्रसंग को सुनकर देखो ना, स्वयं माता जिसको पाने के लिए तपस्या कर रही है, वो स्वयं कहने लगे भोलेनाथ चलो मैं हाथ पकड़ के ले चलूं, जाने को तैयार नहीं हुई ना, ऐसे नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, बलिहारी आपकी, मैं आप ही का वरण करूंगी, मैं आप ही की हूं, पर बाबा के द्वारा मेरे बाबा कन्यादान करेंगे सम्मान के साथ, मैं तब जाऊंगी। ये है संस्कार, रामायण का संस्कार।